अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ज़बरदस्त एक सूप की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसको बनाना नहायत आसान है और इसको हम बनाएंगे दाल से। तो अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताते चलूँ कि मिडिल ईस्ट में ये सूप बहुत ज़्यादा फेमस है, और जो है वो इसको खाने से पहले सर्व किया जाता है, यानी स्टार्टर के तौर पे दिया जाता है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कीजिए, और अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट एंड लाइक भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाफ कप हमने ली है मूंग की दाल, एक कप ली है ये लाल मसर है, और साथ में है मेरे पास कुछ ग्रीन अनियंस, और ये है चिकन क्यूब, और साथ में थोड़े 4-5 हरी मिर्चें कट की हैं मैंने, एक बड़ा चम्मच हल्दी का है इसमें, और एक ही बड़ा चम्मच जो है वो हमने अदरक का पीस लेके उसे हमने जो है वो कूट लिया था अच्छे तरीके से, और हम इसमें डालेंगे नमक। आपको बस इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत होगी और ये बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से बन जाएगा। यहाँ पे हमने ले लिया है एक कुकर, और कुकर के अंदर हमने डाला है ऑलिव ऑयल, ये तकरीबन 2 बड़े चम्मच ऑलिव ऑयल है, और अब जो मैं इसमें डालने जा रही हूँ अदरक जो हमने क्रश करके रखी थी वो, और साथ में मैं जो है वो इसको थोड़ा सा भूनूंगी भून के, और इसमें डालूंगी मैं हरी मिर्चें जो हमने काट के रखी थी। हरी मिर्चें डालने के बाद मैं इसे भूनूंगी, और थोड़ी देर के लिए हम इसे बस हल्का सा सौते करेंगे। सौते करने के बाद हम इसमें जो है जब इसमें अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी तो हमने जो दालें अपनी भिगो के रखी हुई हैं पहले हमने दालों को वॉश किया, वॉश करने के बाद इनको आधे घंटे के लिए सोक कर दिया, सोक जब ये हो गई तो फिर हमने जो है वो इसमें ऐड कर दी। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 3 ग्लास पानी, और फिर हम इसको प्रेशर देंगे 10-15 मिनट के लिए। इसको हम प्रेशर कुकर में कुक करेंगे, जब प्रेशर कुकर यूज़ करें तो बहुत ध्यान से यूज़ करें। मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, और आपको जो है वो 3 ग्लास पानी की ही ज़रूरत होगी। चलिए उसके बाद हमने इसमें डाली है हल्दी, हल्दी है 1 टेबलस्पून जैसे कि मैंने आपको बताया था, और हमने इसमें डाली है काली मिर्च का पाउडर, ये घर में कुटी हुई काली मिर्चें हैं, और बस आपने ये करना है कि काली मिर्चों को हल्का सा कवर पर आप ड्राई रोस्ट करें और उसके बाद उसको पीस लें तो बहुत टाइम के लिए आपकी वो चल जाती है। उसके बाद हमने ये प्रेशर दिया है तकरीबन 10-15 मिनट का, और उसके बाद ये देख सकते हैं आप ये फाइनल लुक है दाल की। इसके अंदर हम 1 कप पानी और ऐड करेंगे, क्योंकि पकने के बाद दाल जो है वो थिक हो जाती है, तो हमें थिक नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा रनिंग कंसिस्टेंसी में चाहिए, तो इस वजह से जो है वो फिर इसके बाद मैंने इसमें 1 टेबल स्पून नमक का शामिल किया है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। 1 चिकन क्यूब मैंने इसमें डाली है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, चीज़ें अप एंड डाउन कर सकते हैं, जितना आपको पसंद है आप उतना कीजिए। और उसके बाद मैंने इसके अंदर हरी प्याज डाली है, स्प्रिंग अनियन, और ये इसकी फाइनल लुक है, बहुत मज़े का लगता है। सर्दियों में आप बनाइए इसको और इन्जॉय कीजिए। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट मज़ीद अच्छी और डिलिशियस क्विक एंड इजी रेसिपीज़ के साथ। सो स्टे ट्यून्ड विद डेली फैंटास्टिक फूड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।